ये सरकार के एक बहुत बड़े अफसर ने बुलाया और ये कहा कि बाबा आपसे नाराज है। बाबा मतलब मुख्यमंत्री। मैंने पूछा कि माँ बाप क्यों नाराज है, बोले आप जो फ्रंट पेज पे छाप रहे हैं इससे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि तो बाकी कुछ नहीं छाप रहा, हम आपको पूरा पैसा देने को तैयार है साल भर में जितना आपका खर्चा होता है, लेकिन फ्रंट पेज ऐसा मत बनाइए जो सरकार के खिलाफ जा रहा हो। 1.5 साल तक जांच होती रही, मेरे मेरे परिवार को, मेरे रिश्तेदारों को परेशान किया गया, जांच के नाम पर कुछ नहीं मिला। चल में सीएम को मानसिक दिवालिया उनके ब्यूरोक्रेट ने बना दिया। वो जो ब्यूरोक्रेट उस खबर की जगह पड़ताल करके बीएसए को डीएम को सस्पेंड करते हैं, उन्होंने कहा महाराज जी ये पत्रकार बहुत उछल रहा था, हमने इसके खिलाफ FIR। तो एक तरफ आप उनको पैसा दे रहे हैं कि वो सच ना दिखाएं, दूसरी तरफ जो सच दिखाने की हिम्मत कर रहे हैं उनको बंद कर रहे हैं, उन पे हमले करा रहे हैं, उनकी हत्या करा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इतना धमकाने, इतना प्रताड़ित करने के बाद भी ये ना मेरा अखबार रोक पाए, ना मेरा चैनल रोक पाए। ये बता रहा है कि लोकतंत्र में अभी भी लोकतंत्र को जिंदा रखने वाली आवाजों का समर्थन पूरे देश और पूरी दुनिया से। नमस्कार, आदाब, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमेधा। उत्तर प्रदेश के चुनाव अपनी परम सीमा पर हैं। हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। मीडिया को अक्सर किंग पिन बोला जाता है, किंग मेकर बोला जाता है सरकारों का। मीडिया वो भी है जो सरकारों का कटाक्ष करती है, उन्हें अकाउंटेबल रखती है। आज मैं हूँ बहुत ही खास मेहमान संजय शर्मा जी के साथ लखनऊ में। संजय शर्मा जी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो उत्तर प्रदेश का मशहूर इवनिंग 4 PM चलाते हैं। ये एक अखबार है, इनका यूट्यूब चैनल है, और खास तौर से जो इवनिंग 4 PM है वो एक ऐसा न्यूज़पेपर है, एक ऐसा मीडिया आउटलेट है जिसने लगातार सरकार को अकाउंटेबल होल्ड करते हुए, उनसे सवाल करते हुए, उन पर अक्सर ऐसी स्टोरियां की हैं जो किसी भी अखबार, किसी भी मेन स्ट्रीम चैनल ने रिपोर्ट नहीं की हो। उनकी कहानियां ऐसी होती हैं जो सरकार का सच दिखाती हैं, जो जमीनी हालात दिखाती हैं। पिछले 5 सालों में और उससे पहले से ही संजय शर्मा जी पर अन्य तरह के हमले हुए हैं। ये भारत में और विदेश में इनके अखबार का, और उसके साथ साथ जो सरकार ने जिस तरह के हथकंडे अपनाए हैं इस तरह की स्टोरीज को रोकने के लिए, ताकि इनकी आवाज दबा दी जाए, इस तरह के काफी हथकंडे अपनाए हैं और उस पर काफी चर्चा पहले हुई है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो खास तौर पर जो सबसे नया हमला इनकी चैनल पर और इन पर हुआ है उस पर बात कर रहे हैं। इनका प्रचलित यूट्यूब चैनल है जिसे हटा दिया गया, जिसकी पब्लिकेशन जो वीडियोस की हो रही थी उसे रोक दी गई। आज हम संजय जी से बात करेंगे। संजय जी, सबसे पहले यही सवाल है कि पिछले 5 सालों में, जैसा मैंने कहा कि काफी हमने रिपोर्ट्स वायर ने खुद की हैं, काफी अन्य मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि किस तरह से लगातार आप पर एक अटैक होता हुआ नजर आया है। सबसे पहला मेरा सवाल है कि अभी आपकी यूट्यूब के साथ क्या हुआ और किस तरह की प्रतिक्रिया हुई? मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा समेगा जी। जब अखबार सरकार बदली थी, 3 महीने हुए थे मैं जिस दफ्तर पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 गाड़ी भर के लोग आए और पूरा दफ्तर तोड़ फोड़ कर दिया, मारपीट कर दिया, हमला हुआ मेरे दफ्तर पे, FIR लिखाई, कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। 2-3 महीने और बीते, मुझे सरकार के एक बहुत बड़े अफसर ने बुलाया और ये कहा कि बाबा आपसे नाराज है। बाबा मतलब मुख्यमंत्री। मैंने पूछा कि माँ बाप क्यों नाराज है, बोले आप जो फ्रंट पेज पे छाप रहे हैं इससे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बाकी कुछ नहीं छाप रहा, हम आपको पूरा पैसा देने को तैयार है साल भर में जितना आपका खर्चा होता है, लेकिन फ्रंट पेज ऐसा मत बनाइए जो सरकार के खिलाफ जाता हो। मैंने उनसे कहा कि हम कोई पार्टी का घोषणा पत्र नहीं बना रहे, अखबार है, हमने दिखाया कि हम पिछली सरकार जो थी उसमें भी ऐसी छापते थे और हम किसी के खिलाफ नहीं है, सिस्टम में कुछ गलत हो रहा है तो वो छपेगा, वो छापना चाहिए भी। उन्होंने मुझसे 10 मिनट डिस्कस किया, मैं मना कराया इसके लिए। अगले दिन एक इंस्पेक्टर मेरे ऑफिस में आया, एक फर्जी नाम पते पे लल्लू लाल पाप का नाम कल्लू लाल टाइप की शिकायत, उस पर मेरे खिलाफ एक आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि किसी भी फर्जी नाम से जांच नहीं हो सकती। 1.5 साल तक जांच होती रही, मेरे मेरे परिवार को, मेरे रिश्तेदारों को परेशान किया गया, जांच के नाम पर कुछ नहीं मिला। STF है उत्तर प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स, उसने मेरे क्लोजली फ्रेंड को बुला के 5 घंटे टॉर्चर किया कि हमें संजय शर्मा के खिलाफ कुछ दे दो, हमें इनको ठीक करना है। उसने कहा कुछ ऐसा मेरे पास है ही नहीं जो मैं दे पाऊँ। एक दिन संजय सिंह जी आए थे, आम आदमी पार्टी के सांसद, मैंने उनका इंटरव्यू किया, इंटरव्यू वायरल हुआ, वो गए और रात के 8 बजे राज संपत्ति अधिकारी से फोन आए 5-7, और मेरा सरकारी मकान जो दे रखा था, तमाम सैकड़ों पत्रकारों को दे रखा है, कहा गया कि तुरंत मकान खाली करिए। सुबह 100 पुलिस वाले लेके मेरा मकान खाली करा लिया गया। मेरे मैं मानता प्राप्त संवाददाता समिति का उपाध्यक्ष था, मेरी मानता खत्म कर दी गई, मेरे अखबार के विज्ञापन बंद कर दिए गए, मेरी बहन के घर लगे होर्डिंगों पर हमला किया गया, तोड़ दिए गए। पूरा 5 साल मैंने खौफ में गुजारे।
और शर्त ये थी कि सरकार के खिलाफ मत दिखो, खिलाफ मतलब कुछ सच मत दिखाओ। लेकिन मेरी स्टोरी जो थी वो इनको परेशानी ये थी कि मेरी स्टोरी को प्रियंका गांधी ट्वीट कर रही थी, संजय सिंह ट्वीट कर रहे थे, अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे थे और देश और दुनिया में तमाम। कोरोना काल से लड़ाई और बढ़ गई कि कोरोना काल में हमने सच दिखाया, ग्राउंड पर जाकर दिखाया, हमारा रिपोर्टर है समेत फोटोग्राफर उसके फोटो पूरी दुनिया में गए। तो इनको ये परेशानी थी कि इनकी टीम काम क्यों कर रही है। YouTube चैनल बना तो YouTube चैनल दिन पे दिन बढ़ता चला गया। 4PM न्यूज नेटवर्क के नाम से मैंने चैनल बनाया और सबसे ज़्यादा समस्या ये शुरू हुई कि जो यहाँ की रीजनल चैनल थे, बड़े चैनल थे, नेशनल चैनल थे, उनकी डिबेट शुरू होती थी तो व्यूशिप उनकी 3,000-4,000 होती थी और मैं शाम को डिबेट करता था जिसमें देश के बड़े बड़े लोग आते थे, तो मेरी व्यूअरशिप हर डिबेट की 1,50,000 जा रही थी। तो मेरा यह अभी 3 दिन पहले अचानक रात को 2:30 बजे मेरा चैनल बंद करा दिया गया। मैं बड़ा परेशान हुआ और मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं बार बार मेल करूँ कोई जवाब नहीं। तो मेरी बहुत अच्छी लॉयर की टीम है, मोहम्मद हैदर है, बहुत अच्छे वकील हैं, उन्हें यूट्यूब को गोल कर नोटिस दिया कि आपने जानबूझ के डेमोक्रेटिक देश में चुनाव के दौरान बंद किया है, हम सुप्रीम कोर्ट में रिट करेंगे और पूरी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा और तमाम देश के राज्यों के जो यूट्यूब चैनल चलाते थे, मीडिया में लोग थे, वायर में, बाकी न्यूज़ के लिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब ने मेरा सपोर्ट किया। दुनिया के कई देशों से फ़ोन आए और फिर मेरे वकील ने जब नोटिस भेजा पूरे देश में माहौल बना कि 4 PM पे हमला हुआ है, तो अल्टीमेटली यूट्यूब से कल मेल आया कि हम सॉरी बोल रहे हैं आपको, आपका चैनल कम्प्रोमाइज किया गया था, हम चैनल आपका वापस कर रहे हैं। तो यह आखिरी अटैक मैं मान सकता हूँ कि सरकार का रहा होगा कि चुनाव के बीच में फिर हमला करें, डरा के, धमका के, हमला करके बंद नहीं कर सकते, तो उस चैनल को ही बंद कर दो, 4 PM को बंद कर दो। हमने जिस दिन बंद हुआ लोगों ने कहा, हमने तुरंत बनाया और 72 घंटे के अंदर 55,000 सब्सक्राइबर नए चैनल पे आ गए। मतलब देश जानना चाहता है, देश सुनना चाहता है। तो मुझे अच्छा है कि मैं उन सबका शुक्रिया करूंगा, आपका शुक्रिया करूंगा कि आप लोग साथ हैं, तो मैं डरा नहीं और लड़ रहा हूँ और कोई भी सरकार आएगी तो हमारे तेवर तो ये रहने वाले हैं जो सचों को दिखाएंगे जरूर। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बोली कि जो सच की स्टोरीज, जो असलियत ज़मीन पर हो रही है, जो मीडिया आउटलेट्स उनको दिखाना चाह रहे हैं उन पर हमला है। तो जब हम पत्रकारिता की फ्रीडम की बात करें, अधिकार की बात करें, तो उत्तर प्रदेश वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का जो एक इंडेक्स निकलता है, जो देश में एक इंडेक्स निकलता है, उसमें उत्तर प्रदेश में खासकर प्रेस फ्रीडम पर एक हमला होता हुआ नजर आ रहा है। तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पिछले 5 सालों में आप पर तो हमला हुआ ही है, साथ साथ जो पत्रकार हैं पूरे स्टेट में उन पर भी एक तरह से हमला हुआ है। सुमेघा जी, एक पत्रकार ने दिखाया कि मिड डे मील में नमक के साथ रोटी खिलाई जा रही है। एक्चुअल में CM को मानसिक दिवालिया उनके ब्यूरोक्रेट ने बना दिया। वो जो ब्यूरोक्रेट उस खबर की जगह पड़ताल करके BSA को, DM को सस्पेंड करते हैं, उन्होंने कहा महाराज जी ये पत्रकार बहुत उछल रहा था, हमने इसके खिलाफ FIR करा। और महाराज जी को बड़ा मजा आया कि हमारा एक इतना चमचा ब्यूरोक्रेट है जो हमारे लिए जान दे दे रहा है। और फिर उन ब्यूरोक्रेट ने छोटे छोटे मुद्दे पे, किसी जिले का पत्रकार छोटा था उसकी आवाज नहीं उठ सकती थी, किसी ने स्कूल की खबर दिखाई तो स्कूल के प्रिंसिपल से एप्लीकेशन लेके FIR करा दी, मैं अगर रह रहा हूं तो मेरे पड़ोसी से FIR करा दी, पूरे प्रदेश में ऐसा डर, ऐसा भय, ऐसा आतंक बना दिया। दूसरी तरफ जो गोदी मीडिया है उसको RTI से पता चला 1 साल में 1,000 करोड़ रुपए दिया। तो एक तरफ आप उनको पैसा दे रहे हैं कि वो सच ना दिखाएं, दूसरी तरफ जो सच दिखाने की हिम्मत कर रहे हैं उनको बंद कर रहे हैं, उन पे हमले करा रहे हैं, उनकी हत्या करा रहे हैं। एक मैं सुमेघा जी 5 साल तक इस मानसिक पीड़ा से गुजरा था, मुझे लगा था कि मेरी हत्या हो जाएगी। मैंने अपने बच्चों का एक टर्म इंश्योरेंस कराया कि अगर मैं मारा जाऊं तो मेरे बच्चे सड़क पे ना। मैं इस मानसिक पीड़ा से गुजर के मैंने पत्रकारिता की, बच्चों को, परिवार को समझाया कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम्हें ऐसे जीवन बिताना है। लेकिन मुझे लगा कि अब ये संघर्ष अगर सब चुप हो जाएंगे तो लोकतंत्र बचेगा नहीं, लोगों को बोलना चाहिए। और बोलने की, लिखने की, कहने की आज़ादी की लड़ाई मैंने शुरू करी और मुझे खुशी है कि इतना धमकाने, इतना प्रताड़ित करने के बाद भी ये ना मेरा अखबार रोक पाए, ना मेरा चैनल रोक पाए। ये बता रहा है कि लोकतंत्र में अभी भी लोकतंत्र को जिंदा रखने वाली आवाज़ों का समर्थन पूरे देश और पूरी दुनिया से। बिल्कुल। और एक मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि किस तरह का मैसेज, योगी सरकार का मैसेज, जैसा कि आपने कहा बहुत ही क्लियर है आप लोगों के प्रति, इंडिपेंडेंट पत्रकारों के प्रति और अल्टरनेटिव मीडिया के प्रति, कि जो लोग सवाल उठाएंगे, कटाक्ष करेंगे उन पर, उनको एक बहुत ही क्लियर मैसेज इस सरकार ने दिया है। तो हम आप लोगों की फ्रेटर्निटी की तरफ और जो आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपका मैसेज सिर्फ योगी सरकार को और आने वाली सरकारों को क्या है? देखिए, फ्रीडम के हिसाब से आप क्या डिमांड्स हैं? सुमेघा जी, एक तो मेरा मानना यह है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट को ये दखल देके कहना चाहिए,
हर स्टेट का एक इंडिपेंडेंट लोकपाल की तरह एक आयोग बनाया जाए और उसमें इंडिपेंडेंट एडिटर रखे जाएं, गोदी मीडिया वाले एडिटर नहीं रखे जाएं, एक हाई सुप्रीम कोर्ट का जज हो, प्रेस काउंसिल को राइट दिए जाए, प्रेस काउंसिल के अधिकारों को कूड़े में ना फेंक देते हैं, और कम से कम डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ने के लिए जो लोग सामने नहीं आ रहे हैं उनको सोचना चाहिए। ये हमला आज मुझ पे हुआ है, कल आप पे होगा और परसों उनके ऊपर भी होगा। अगर आप चुप रहेंगे तो ये सरकारें तय करेंगी कि आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, क्या आप सोएंगे और कब सोएंगे, कब जगेंगे। सुमेघा जी, मैं एक प्रोमिनेंट जगह है, एक होटल है जहाँ पे सब अखबारों के दफ्तर है, वो ढाबा कम होटल कह सकते, दैनिक जागरण, भारत टाइम, रात के 2:30 बजे तक पत्रकार खबर लिखते थे, देर रात तक खाना खाते थे। एक दिन मैं गया तो देखा 11 बजे बंद था। मैंने तो पूछा ये तो सब अखबार वाले 2:30 बजे तक खाना खाते, बंद क्यों है? बोले पुलिस वाले आके बंद कर गए कि अगर जल्दी सोगे नहीं तो जल्दी उठोगे नहीं, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। तो आपको तय किया जाएगा कि आप मंगलवार को लाल कपड़े पहनेंगे, बृहस्पति को पीले कपड़े पहनेंगे। आज ये वक्त है अगर आपको लोकतंत्र को बचाने का, तो आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, देश को भी, या जो लोग इस लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो जो लोग बोल रहे हैं उनके साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। और ये तय मानिए, ये डरपोक लोग हैं, ये सिर्फ हमले करा सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि लोकतंत्र बहुत बड़ा है। ऐसे आने कितने तानाशाह आए और चले गए, हस्ती मिटेगी नहीं लोकतंत्र। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस नोट पर कि लोकतंत्र बहुत बड़ा है और अगर लोकतंत्र को बचाना है तो आप लोगों को सामने आना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट मीडिया को। ये काफ़ी बड़ी बातें जो हैं आपने हमसे की और इस छोटे से समय में पूरा एक संक्षेप रूप में पूरी कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर हमने अपने दर्शकों को दिखाई। और लगातार हम इवनिंग 4 PM हो, चाहे कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट हो, उसके पत्रकारिता के अधिकार के साथ हम जो भी खबरें जुड़ी हुई हैं हम ज़रूर दवायर पर आपको दिखाते रहेंगे। ये इंटरव्यू देखने के लिए, खास बातचीत देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया संजय जी। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.